सो so, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ सो so, मैं 2015 से लेके 2018 तक खुद आर्थराइटिस में तीन साल मैंने बेड पे ही गुजारे हैं सो so, नीज़ में फ्लूड बढ़ता था उसके बाद धीरे धीरे ट्रीटमेंट लिया रोमटोलॉजी से एंड uh, कुछ डॉक्टर्स ने मुझे एंटी ट्यूबरकोसिस मेडिसिन भी दी लेकिन उसके बाद समझ में आई कि बेड पर पे जो पेशेंट पड़ा है उसकी हालत क्या होती है सो so, उसके बाद आज 2024 तक मैंने अपनी डाइट और अपनी लाइफ को ठीक किया अपनी वर्कआउट से सो so, मेरी मिथोट्रैक्सेड सेल्फो सेल्फोसलजिन सेल्फोस एंड अदर मेडिसिन जो चलती थी वो सभी बंद हो चुकी हैं एशिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में, में मेरा नाम है आप गूगल सर्च कर सकते हैं गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए बड़े रिसेंटली मैं तीन रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा हूँ वन मिनट में वन फोटी फाइव का रिकॉर्ड सो so, मेरा मैसेज यही है कि जहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो तो गवर्नमेंट भी काम कर रही हैं आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत काम कर रहे हो लेकिन अवेयरनेस है जो मैं गांव में कैंप लगाता हूँ हमारी एन के तकरीबन तो पंजाब हरियाणा हिमाचल में हमपैथलॉजी में काम कर रहे हैं एट्टी सेंटर्स हैं पर डे फिफ्टीन हंड्रेड पेशेंट पर डे जिनके डायग्नोस किए जाते हैं और एन अप्रूव्ड लैब है सो तो अभी लैब के बाद हमारा फोकस डेंटल एंड रेडियोलॉजी पे भी है कि गांव टू गांव जाके उन लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया जाए होता क्या है जब भी कोई कैंप लगाते हैं हम हमने 250 प्लस कैंप लगाए हैं उनमें से तकरीबन एक होता कैंप लगाना और अपने बारे में बताना कि हमारा ये हॉस्पिटल है मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ लेकिन हमारा फ़ोकस होता था कि उन लोगों में अगर हमें एक कैम्प में तकरीबन दस से भी ज़्यादा हम पेशेंट को कैम्प में फ्री ट्रीटमेंट अभी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया किडनी पे सो so, हमने किडनी वाले पेशेंट के लिए आर एफ टी एंड ब्लड शुगर फ्री करते हैं कैंप्स में लीवर के टेस्ट फ्री करते हैं ताकि डायग्नोस हो उसके प्रिवेंटिवली उस बीमारी का पता चल सके डायलिसिस तो ज़रूरी है ही है जिसको हो गया पर हमारी कोशिश है पेशेंट डायलिसिस पे जाए ही क्यों अगर प्रिवेंटली काम किया जाए गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में इलाज हो रहा है बहुत अच्छा लेकिन काम करने की ज़रूरत है हमें प्रिवेंट पे जो कि पेशेंट को डायग्नोस करना गांव टू तो गांव जाके कैंप किए गए कैंप्स में जो पेशेंट को जिनको प्रॉब्लम आई उनको फॉलोअप करना असली कैंप का उद्देश्य यही होता है अगर हमारे पास एक हमने 200 पेशेंट का कैंप किया है सिक्सटी पेशेंट को किडनी या लीवर की प्रॉब्लम आई है सो उनको फॉलोअप करना कि आपने ट्रीटमेंट कहाँ से लिया उनको डाइट के ज़रिए ठीक करना 60 से वो पेशेंट 30 रह गए दोबारा फॉलोअप किया गया तो वो पेशेंट 10 रह गए जो ज़रूरत पड़ी तो उनको किसी अच्छे नाफ्रोलजिस्ट के पास भेजा गया ताकि अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके सो हमारा फोकस यही रहा है उसके अलावा कैंप जो होते हैं हमारे पास फाउंडेशन में बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी होती हैं लोग जुड़ते हैं कि हमें डोनेशन देनी है सो हमारा फोकस होता है कि और आप लोगों से भी यही बेनती है हमारी कि डोनेशन हम वैसे नहीं लेते हम बोलते हैं कि आप अपना एरिया आप जिस गांव से बिलोंग करते हो जिस एरिया से बिलोंग करते हो जिस शहर से बिलोंग करते हो वहाँ के नीडी पर्सनस बस्तियों में रहते हैं कलोनीज़ में रहते हैं गांव में रहते हैं उनको अडॉप्ट करो उनके हेल्थ पैकेजेस करवाओ उनकी स्क्रीनिंग करवाओ आप लोग भी अपने जन्मदिन पे अपने बर्थडे पे किसी सेलिब्रेशन पे उन लोगों का जब आप यह ट्रीटमेंट करवाओगे इलाज हम खुद करवा सकते हैं हंड्रेड पेशेंट का चेकअप करवा लिया वहाँ से जो डायग्नोस मिलेगा वहाँ से उन लोगों की जान बचाई जा सकती है उनको डायलिसिस पे जाने से रोका जा सकता है अपनी डाइट की वजह से सो so, अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया हेल्थ केयर में सो so, जैसे ही हमने ये रिकॉर्ड बनाया उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है मैं कर सकता हूँ अभी मैं एक सेंटर से शुरू किया उसके बाद हमारे तकरीबन अस्सी सेंटर हैं अभी और ज़्यादा भी हम कर सकते हैं तकरीबन तो फिफ्टीन हंड्रेड पेशेंट पर डे ट्रीट करना उनको डायग्नोस देना जिसमें आप मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हो सभी को जैसे सी हमारी फाउंडेशन सेवेंटी रुपीज़ में करके दे रही है ब्लड शुगर दस रुपये में किया जाता है थायरॅड पचास रुपये में किया जाता है एल एफ टी हंड्रेड रुपीज़ में लिपिड नाइन्टी रुपी, रुपीज़ में वो भी एन एवीआर के बाद सो एक प्राप्ति है हम लोगों को चलो बिजनेस तो करना ही है पैसा शहरत लेकिन सुकून भी होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है सो so, यही बेनती है यही मैसेज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग करें जो कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है प्राइवेट हॉस्पिटल अपना काम कर रहे हैं ट्रीटमेंट देने में अगर हम स्क्रीनिंग करें टेस्टिंग करें तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कि पूरा इंडिया बदल सकते हैं बट अगर मैद एक हमारी एन काम कर रही है ऐसे हमें देख के अगर आप में से दस लोग और करेंगे दस को देख के सौ और लोग और काम करेंगे तो बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है सो यही हमारी प्राइम प्राइम टाइम का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बोलने का मौका दिया सो धन्यवाद